वाह का और मंगीर ही आजों मंगीर ही तो लानोल तक हमें मंगीर नहीं ला हेलो एवरीवन, दिस इज सादी बिबन। आप सभी को फिर से मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम हमारा नुगोंग ब्रिज के इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, हम और हमारा ये भाई समल भाई। तो मिलते हैं वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं ब्रिज की ओर। और ये है हमारा खूबसूरत नुगोंग ब्रिज, जो काफ़ी दूर से देखने में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी काफ़ी खूबसूरत है। देखिए वहाँ में फंडल भी तैयार करके रखा है और बगल में संतरे का घास। और सच में बताऊँ तो ये काफ़ी दिक्कत रास्ता हुआ करता था जब ब्रिज नहीं था तब। हर एक चीज़ अपने कंधे पे या सिर पे बुक कर ले जाते थे, चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई डेड बॉडी हो, या कुछ भी चीज़ लेके जाना हो उस पार से इस पार हमारे बस्ती लेके आने के लिए भी हर एक चीज़ कंधे पे ही बुक के आते थे। जो रास्ता जहाँ से मैं जा रहा हूँ ऐसे हर चीज़ को लेके आते थे, तो काफ़ी दिक्कत था। फिर भी अब ब्रिज इनोग्रेशन हो जाएंगे तो ऐसे तो हमें सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा, जो स्पेशल हमारे कमसिंग बस्ती के लोगों को और जितने भी आके बाकी 7 विलेजेस है कमसिंग को छोड़ के, उन सभी बस्ती को लाभदायक होगा। तो चलते हैं आगे, खूबसूरत नज़ारे देखिए, ऐसे नज़ारों का आनंद उठाइए। यह है संगम और एक नदी जो सियांग, एक नदी जो सियोम है, और ऐसे ऊँचे ऊँचे पहाड़ और ऐसे सफ़ेद बादल और ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखकर आप मन को शांति दे सकते हैं। ओ जहाँ पे हम जाएंगे वो ब्रिज जो, तो वहाँ पर हम जाएंगे। देखिए वो हमें भी और एक नया ब्रिज आर्क ब्रिज है उसमें, तो उसका भी उद्घाटन जल्दी हो जाएगा। नज़ारे देखिए आप लोग, काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग को दिखाने के लिए आपसे आए, मैं तो वो गाड़ी रास्ता से जा सकता था। देखिए कितना खूबसूरत है, आप उस तरफ भी देखिए। ये पूरा पहाड़ जो संतरा से भरा है, ऑरेंज, जिसको हम लोग आदि में उतुरंग कहते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं भी एक ऑरेंज तोड़ के खाता हूँ। देखिए ये ऑरेंज है, पोस्ट क्यों नहीं रुपये। देखिए काफी खूबसूरत नजारा है, आप देखिएगा बेहद खूबसूरत। तो ये है आज का ब्रिज जिसको नुगोंग ब्रिज कहते हैं, जिसका इनॉग्रेशन आज होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी आएंगे, उसके लिए फंडल वहाँ पर तैयार किया है। और ये है हमारा संगम एरिया, ये साइड जो नुगोंग बांगो है और बस्ती जो कमसिंग है, और वो साइड जो पांगन, और हमें संगम और वहाँ से बोलेन का रास्ता, और वो साइड से आलो और पांगन का रास्ता। पांगन जो लेप की ओर जाएंगे और आलो जो वो साइड जहाँ क्लाउड है वो साइड से जाएंगे, और पासगत जो वहाँ पर है वो नीचे तरफ। तो आप देख सकते हैं जो नदी दिख रहा है आपको, ये नदी जो सियांग नदी है जिसको अरुणाचल में हम लोग सियांग कहते हैं, और जब असम एंट्री करते हैं यह तब ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो आप जो दिख रहे हैं नुगोंग ब्रिज जिसका इनॉग्रेशन आज होगा, तो आपको हम व्यूज थोड़ा दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये नुगोंग ब्रिज जो उस दिन इनोग्रेशन होने वाला था अगस्त 31 को, तो फिर उसमें पोस्टपोन हो गया था। मेरा पहले वीडियो में आपको मैंने बता चुका था, तो आज आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत है, आप देखिएगा कितना खूबसूरत नज़ारा है, और साइड को भी आपको दिखाएंगे। देखिए आप देख सक रहे हो कितना खूबसूरत है वहाँ पर।
दूर से बहुत देख लिया, तो अभी सामने से देखने जाते हैं, तो ब्रिज में जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम काफ़ी करीब हो गए हैं, देखिए सियांग नदी और सियम नदी काफ़ी सामने हो गए। तो अभी हम लोग रास्ते पे हैं, देखिए काफ़ी करीब आ गए हम लोग अभी और सामने हो गए। तो ये पुराना रास्ता है, जब रोड नहीं था, ये जस्ट इसका नीचे में है वो रोड, जो कच्चा रास्ता जो गाड़ी जाने के लिए, तो हर कोई अभी वहाँ से जा रहा है। हम लोग बस ये ऊपर से दिखा सकने के लिए यहाँ से जा रहा है। तो देखते हैं, काफ़ी शोरगुल हो रहा है नीचे में, काफ़ी इंसान है शायद हमें पब्लिक लोग। तो ये है हमारा खूबसूरत नुवांग ब्रिज, जिसका आज इनॉग्रेशन होगा। काफ़ी खूबसूरती से सजाए हैं, अगर कैमरा अच्छा होता तो आपको काफ़ी खूबसूरता से दिखाता, फिर भी कैमरा काफ़ी खास नहीं है इसके लिए, फिर भी देख लीजिएगा कितना खूबसूरत है, आपको आगे से दिखाएंगे। तो देखें यहाँ में पुलिस वाले लोग भी भर्ती हैं, और यहाँ के बस्ती वाले लोग भी हैं, और फोनुंग फट्टी हर कोई यहाँ पे है। तो नीचे चल के देखते हैं, आपको दिखाएंगे क्या क्या होगा वहाँ पर। देखिए वो है हमारा कच्चा रास्ता। तो देखिए हमें पूरा इंसान भरती है, अरे देखिए देखिए कान पान करने लोग भी हमें। तो देख सकते हो हमें तभी उपाय नहीं है, खाना उठा के जाना पड़ रहा, अभी बने रहेगा। ये है हमारा नुवांग ब्रिज, जो सीएम कांडू जी को इनॉग्रेशन करने के लिए तैयार करके रखा है, काफ़ी सुंदर से सजा है। काफ़ी भारी है सच में, हे प्रभु, तो बहुत भारी लग रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो देखिए ब्रिज को काफ़ी खूबसूरती से सजाए हैं, बहुत साइड से लामा फ्लैग लगा के हैं, और दोनों साइड गेंदा फूल से कच्चा कच्च भरा है और बैलून से। तो चलिए चलते हैं आगे, और वो कमसिंग साइट है और वो फांगन साइट, तो काफ़ी दिक्कत है ऐसे चलते हुए और कंधे पे सामान उठा के बातें करना, फिर भी आपको दिखाएंगे आगे। यहाँ में कारपेट है, शायद ये रेड कारपेट होगा ये बस्ता के अंदर भी और आगे भी, और काफ़ी लोग हैं जो फोटो या वीडियोस खिंचवा रहे हैं यहाँ में। तो हमको लगता है बहुत से लोग फ़ोटोज़ के लिए ही आएंगे या वीडियोज़ के लिए। तो देखिए यहाँ में काफ़ी खूबसूरती से सजाएं, और उस पार से खाना उठा के यहाँ पर रखने गया था, तभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं हमें हम लोग सब। पूरा ये आसपास के सब बस्ती वाले ये थान वाले सब इकट्ठा हो रहे हैं हमें, बहुत सारा मिनिस्टर और एमएलए ये सब आ रहे हैं हमें, हमारे एमपी साहब तबर गाँव भी। देखिए ये हमारा नुवांग ब्रिज, जो 31 अगस्त को इनॉग्रेशन होना था तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए आज होगा। तो हमें पब्लिक पर ये पंडल और हमारा बस्ती का फोनम फारती लुक भी है हमें, और वहाँ में वो स्टेज शायद वहाँ से स्पीच देंगे। देखिए यहाँ का सुंदरता को देखें, अभी रेड कारपेट लग रहा है हमें, जिसके ऊपर से हमारा सीएम जी जाएंगे। वाह का और मंगीर ही आ जाऊं ईर ही तो ला नल तक मैं ईर निकला ईर में ना ई आवन कोन 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 ई आई रंगोले को मैं तुली ने को बन कोन की तो ना। तो ये नुवांग ब्रिज, जिसका इनॉग्रेशन जो 31 अगस्त को करना था, पर उस समय में हमारा माननीय पेमा खांडू जी नहीं आया था, इसके लिए इसको पोस्टपोन कर दिया था। तो आज को इसका इनॉग्रेशन होगा। देखिए इसमें वेल भी लगाए, बाद में इसको हमारे सीएम साहब अनवेल करेंगे, और ये नुवांग ब्रिज जो हमारा बोंगबांगो के 8 विलेजेस को कनेक्ट करेंगे, रियू, जोरसिंग, रासिंग, बगिंग, कोमसिंग कुमकू, कोमसिंग कारो और पांगी सिसेन को, 8 विलेजेस है इसको कनेक्ट करेंगे।
इसका फाउंडेशन स्टोन जो 2012 दिसंबर 2008 को माननीय पेमा खांडू जी के पिताजी ने लगाए थे, तो अब तक ऑलमोस्ट 14 ईयर्स के बाद ये इसका कंप्लीट हो रहा है। तो आज इसका इनॉग्रेशन होगा जिसको पिताजी ने लगाया था ये फाउंडेशन। आज इसका बेटा जो इसका इनॉग्रेशन, जितना ये फार दिख रहे हैं सब ऑरेंज है, जिसको संतरा कहते हैं हम लोग आदि में, इसको उन्तरांग कहते हैं। पूरा हर जगह में इंसान भरती है। तो अब हम चले पेट पूजा करने, दिन का लंच करने, क्योंकि सीएम सर आने में थोड़े देर होंगे, इसीलिए सामल भाई दोरंग भाई हम लोग तीन खान पान के लिए जा रहे हैं। अपना हाथ धो लेंगे इसके बाद, खान पान में टूट पड़ेंगे। तो वीडियो में बने रहना, आगे मिलते हैं। इसमें हाथ धोने के लिए बनाया, देखिए अच्छा ही दिया था लेकिन पानी बहुत कमज़ोर से निकल रहा, देख सकते हर कोई हमें हाथ धुला के हैं। हाँ पानी का सब्जी बहुत कम है, अच्छा आइडिया था, फिर भी पानी जो बहुत कम से निकल रहा है। तो अब मैं भी लाइन में लग रहा हूँ, देख सकते लाइन लाइन मेंटेन करो। हाँ लाइन लाइन बनाए तो। हाँ ये हमारा बस्ती का हैंडसम मोयोंग सर, और ये था कि सर ये लोग खाना सर्व कर रहे हैं, खाना सब्जी। ये हमारा बस्ती का हैंडसम लड़का, हमारा ये दिन का लंच। तो देख सकते मीटिंग का मीट, बस जूलिया सब रेडी नहीं था, तो रेडी करने से पहले आदमी लोग खान पान शुरू कर ले, तो उसके लिए हम लोग भी अभी खाने के लिए शुरू कर रहे हैं। तो स्कूल बच्चे लोग सब अभी वेलकम करने के लिए सब लाइन में खड़ा कर रहे हैं। जितना भी स्वागत करने वाला लोग हैं वो लोग पहले से वेट कर रहे हैं, ये स्कूल स्टूडेंट्स लोग भी, और इसके पीछे आगे तरफ में भी फोनोंग पट्टी और पब्लिक भी सब लाइन में है, बहुत साइड लाइन में है आगे में। तो फिर भी अभी तक नहीं आया हमारे सीएम साहब, अभी 2:30 पार हो गया फिर भी नहीं आया है। तो किसी का ऐसा वेट करना काफ़ी दिक्कत होता है, अगर सीएम नहीं होता तो वो लोग का दिल जल जाना। तो इसमें फिर भी बच्चे लोग काफ़ी शांति के साथ वेट कर रहे हैं वो लोग को। अभी रिहर्सल कर रहे हैं हमें, आप देख सकते हैं अभी हमारे माननीय पेमा खांडू जी आएंगे, इसके लिए हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए ये आज नुगुंग ब्रिज के इनॉग्रेशन के लिए हमारे एमपी टापर गांव साहब और पेमा खांडू जी आएंगे, इसके लिए वेलकम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें स्टूडेंट्स लोग। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली हमारे सीएम साहब और एमपीस, एमएलएस और सीनियर लीडर्स लोग अभी आ गए हैं, गार्ड लोग आगे आगे और फोटोग्राफर भी आगे, और यह हमें हमारा पोनोंग पट्टीस बहुत साइड में, और यह हमारा बस्ती की पोनोंग पट्टी और बाकी रोडगोंग बांगो के भी हैं यहाँ में। तो देखिए यहाँ में आगे बढ़ते हुए गार्ड लोग, और यहाँ में हमारा सीएम सर और गार्ड के साथ बाकी एमएलएस, एमपी, सीनियर्स, सीनियर लीडर्स लोग सब आगे बढ़ते हुए। अभी सबसे पहले शायद वो जो स्टोन लगाया है वहाँ में, उसमें जो बेल लगाया है उस बेल को अनवेल करेंगे। फोटोग्राफर हमारे और फोटो खींच रहा है, इसमें फोटो खींच रहा है वो। जो भी हमें
वेल है, उसको अनवेल करेंगे इकट्ठा हो रहा है जितना भी पब्लिक है ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। हाँ अभी अनवेल कर लिया, अभी फोटो सेशन हो रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। अनवेल हो गया, फोटो क्लिक ये सब भी हो गया। अभी आगे की ओर भर रहे हैं लोग ब्रिज की ओर, अभी शॉर्ट रिबन कटिंग करेंगे। सीएम सर आगे आगे, पीछे एमएलएस और एमपीस लोग बगल में, और पब्लिक लीडर्स लोग तभी रिबन कटिंग करेंगे शायद। फोटोग्राफर फोटो खींचते हुए और रिबन काट लिया, आगे जा रहा। अभी जहाँ से हम देख रहे हैं ये पांगन साइट है, और जहाँ सीएम सर और उनके साथी लोग जा रहे हैं वो हमारा कॉमसिंग साइट है, तो वो लोग कॉमसिंग की ओर जा रहा है। तो मैं वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करूँगा, क्योंकि मेरा बैटरी जो पहले से डाउन हो चुका है, तो बाकी चीज़ों का कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। तो आप में से कोई पहली बार मेरे वीडियो पे आया तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद सभी को।